बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। हमारे साथ एक और हमारी टीम मेंबर मौजूद है, शाहज़ेब, डिस्कवरी ऑफ शाहज़ेब के चेयरमैन भी हैं और साथ में शाहज़ेब टीवी के ऑनर भी हैं यहाँ पे। इनकी कोशिशें भी किसी से डिपी छुपी नहीं है, छतराल के लिए स्पेशली काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यकीनन इनकी जो कोशिशें हैं वो एक दिन ज़रूर स्पेशली छतराल के लिए रंग लें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपने इलाके के लिए आवाज़ उठाते हैं। हर प्लेटफॉर्म पर जो है वो हाज़िर होते हैं, अपनी मदद आपके तहत जाते हैं, वहाँ पर उनको जो है रिकॉर्ड करते हैं, फिर स्क्रीन पर शो करते हैं, लेकर आते हैं सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। चतराल के एक बेहतरीन एमएच जो है वो लोगों के सामने रखते हैं। तो शाहज़ेब एक ऐसे बंदे हैं जो जिन्होंने तकरीबन दूसरा उनका साल है इस जर्नी का आगाज़ किया है, और हमारी भी नेक दुआएं और तमन्नाएं उनके साथ है कि ये मजीद सक्सेसफुल होगा और आगे जाएगा। शाहज़ेब, चतराल क्रिकेट लीग सीज़न वन में भी आप हमारे साथ थे, सीज़न टू इस वक्त इन प्रोग्रेस है, फाइनल आज फाइनल डे है सीज़न टू का, बड़ा बेहतरीन इवेंट हुआ है, पिछले सीज़न से इवेंट काफ़ी अच्छा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ये दूसरे साल है हमारे सीसीएल सीज़न का, आप हमारे साथ काम कर रहे हो और हमें कवरेज दे रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग हमारे लिए कर रहे हो। और दूसरी बात जो आपने कहा कि हम इस तरह जो काम कर रहे हैं, चतराल को एक पॉजिटिव इमेज हम लोगों को दिखा रहे हैं, तो ये हमारा एक जज्बा है, जोश है जो हम अपने एक पेशन के लिए करते हैं, जो फोटोग्राफी करते या फिर वीडियोज़ बनाते, इसमें किसी और का या कोई लालच या इस तरह के वो नहीं है। हमारा यही मकसद है कि चतराल के जितने भी टैलेंट है या चतराल के अंदर जितने भी खूबसूरत जगह है, जितने भी इवेंट्स है, वो लोग को दिखाए, स्क्रीन पे अगर लोग देखेंगे तो चतराल का विजिट करेंगे, इससे हमारे चतराल का नाम, चतराल के साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी वो होगा। और जिस तरह आप सीसीएल की बात कर रहे हो तो मैं बहुत ही पुरजोश हूँ फाइनल के लिए, और दो ये इसका दूसरा सीज़न है, बहुत ही अच्छा जा रहा है और क्राउड्स हमें देखने को मिल रहा है, और जिस तरह जितने भी टैलेंटेड प्लेयर है, बॉलर हो गया, वो जो बैट्समैन हो गया, वो स्क्रीन पर आ रहे हैं, लोग इनको देख रहे हैं, और आगे इंशाल्लाह इनकी प्रमोशन होगी। जी आज दो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं वो यहाँ पर आई है, फाइनल में गई है, तो कौन सी टीम को आप जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं कि वो कौन सी टीम आज ये ट्रॉफी जीत जाए? जी इस तरह तो हाँ जीतने की चांस, अगर आप पॉइंट टेबल, रन रेट और बैकग्राउंड को देखो तो बूनी बादशाह की टीम मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है। बाकी चतराल यूथ हॉस्टल तो डिफेंडिंग चैंपियन है सीसीएल सीज़न वन का, और इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर है, आमिर कुरैशी हो गया, शुजा हो गया और सजाद हो गया, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। और बूनी बादशाह के तो हम पहले तो कमरान का नाम लेंगे जो कि अनस्टॉपेबल हो गया है, दो इन्होंने सेंचुरी बनाई, एक में 175, एक में 100 बनाया है, और कल भी 98 का टारगेट था, उसने 75 बनाए नॉट आउट। तो मेरा बेस्ट लक तो बूनी बादशाह के लिए, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं इस ट्रॉफी को। जी 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 बिल्कुल यकीन है, जैसे आपने जिक्र किया स्ट्रॉन्ग टीम्स है, और वह सपोर्ट आप बोनी दोनों टीम्स को कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बोनी बादशाह इस वक्त जो है वो इस साल सीज़न टू में ट्रॉफी जीत जाए। लास्ट में ये बताएं कि चतराल को लीग सीज़न टू कितना मुस्बित साबित हो सकता है, स्पेशली चतराल के लिए और साथ में चतराल के क्रिकेट के लिए? जी जिस तरह आप देख रहे हो सोशल मीडिया में, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, आपकी ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है, इसकी बनस्बत जो लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और बाद में हम जो अपलोड करते हैं, जो 50 बनाते हैं या पर 100 बनाते हैं, वो हज़ारों लाखों लोग देखते हैं, तो इसके थ्रू वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ सकते हैं, इनका नाम बन सकता है आगे, जो अच्छे बॉलर है, जो अच्छे बैट्समैन है, इनको आगे जितने भी बड़े बड़े लीग्स हो गए या फिर जितने बड़े इवेंट हो गए, इसमें इनको मौका मिल सकता है। तो ये एक पॉजिटिव काम है जो इमरान ने उठाई है, बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया है, इससे चतराल के जितने भी प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, चतराल में उमूमन फुटबॉल और पोले की वो है, मतलब ज़्यादा खासियत है और उज पे, तो ये जो स्टेप इन्होंने उठाया, ख़ास करके लाइव स्ट्रीमिंग जो कर रहे हैं आप लोगों की बनस्बत, आरजे प्रोडक्शन जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, इससे चतराल की एक पॉजिटिव इमेज हम दुनिया को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल यकीनन, जैसे कि शाहज़ेब ने जिक्र किया कि यकीनन ऐसे स्टेप यहाँ पे उठाया है इमरान ने कि पोलो एंड फुटबॉल जो कि चतराल में उरूज पे है, टॉप पे हर कोई जो है उसको कहते हैं, लेकिन क्रिकेट काफ़ी जो है हमने अमूमन जब जिक्र किया चतराल का तो वहाँ पर फुटबॉल और साथ ही साथ में पोलो के नाम से उसको लोग जानते हैं, लेकिन क्रिकेट के बारे में जब भी हमने किसी चतराल के ऊपर जो है वो जिक्र किया है, लोगों को बताया, तो लोगों ने यही रिएक्शन जवाब में दी है कि चतराल में क्रिकेट है ही नहीं, वो लोग क्रिकेट से प्यार करते ही नहीं, क्रिकेट खेलते ही नहीं, लेकिन यहाँ पे ये एक जिंदा मिसाल है, चतराल क्रिकेट लीग इसका एक सबूत है कि चतराल में पोलो, फुटबॉल और आइस हॉकी वगैरह इस गेम्स के साथ साथ, उनके रिवायती गेम्स के साथ साथ क्रिकेट के भी बड़े शौकीन और अच्छे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स मौजूद है जो चतराल क्रिकेट लीग सीज़न टू के वसात से जो है स्क्रीन पर आए हैं और दुनिया को, दुनिया ने
हमने देखा है कि अच्छे और बेहतरीन प्लेयर आगे भी आएंगे और जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर साथ ही साथ में इंटरनेशनल लेवल पे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह आप एफर्ट कर रहे हैं सीज़न वन से लेकर इस सीज़न में भी जो है आप सुबह आते हैं यहाँ पर और अपने 100% जब भी चतराल का कोई इवेंट होता है मैं आपको उसमें देखता हूँ, आप नज़र आते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो यकीनन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिनको इतनी मोहब्बत हो अपनी मिट्टी के साथ कि दिन रात जो है वो उनको नींद देखते और मेहनत करते हैं कि बस उनका एक ही ड्रीम होता है कि अपने इलाके को अपने मिट्टी को जो है इस ऊंचाई पे ले जाऊं कि दुनिया में जिस कोने में भी उसका नाम लिया जाए तो यकीनन वो जगह जो है एक अच्छे हरूफ में जो है वो लोग बयान कर सके और नज़र आए, उनकी ब्यूटी जो है वो दुनिया देख सके और टूरिस्ट बाहर से अट्रैक्ट होकर जो है उस इलाके की तरफ आए। वंस अगेन थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, एक बेहतरीन इवेंट होगा। सो वी विल बी बैक विद टॉर्स अपडेट के साथ, साथ में कुछ गेस्ट के साथ, तेज के साथ हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस।